डिमांड है आप लोगों की, तो आप लोगों की डिमांड पूरी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपने सामने आप चेक कर सकते हो टीवीएस एंटॉर्क 125 है। इस बार लगाया वो लगाया रेड कलर का, क्योंकि रेड एंड ब्लैक का टच है। आप ये मिरर वो है जो लोग अपनी सुपर बाइक में लगाते हैं, लेकिन कहते हैं ना अपने पास जो हो वही सुपर होता है। ठीक है, काम कैसा लगा? काम अच्छा लगा, मैं आपकी वीडियो देख कर आया था, मैं नॉट डेली में रहता हूँ। अच्छा, तो मैंने आपसे सुबह कॉन्टेक्ट किया था, आपने मेरे को लोकेशन वगैरह दी थी। मेरे नाम से डुप्लीकेट शॉप भी हो चुकी है, इससे अच्छा लगा भैया, झूठ बोल रहा। जितना इनको अच्छा लगा ना, इससे अच्छा मुझे लगा पर्सनली। नीचे रेड साथ में फ्लैशिंग, यानी एक मिनट रहे। सबसे पहला मोड जो है ये येलो आ गया, ये येलो वाइट एक साथ आ गया, जो कि यहाँ पर क्रैश गार्ड लगा रखा है बहुत ही जबरदस्त विद स्लाइडर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, कैसे आप सर? मेरा नाम है सिकंदर। एक बार फिर से मैं आप लोगों की डिमांड के हिसाब से, वैसे तो काफी टाइम हो गया था एंटोर की वीडियो नहीं बन पा रही थी, काफी सारे मेरे भाई मुझसे बोल रहे थे कि भैया एंटोर की वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो चलो एक बार दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सबकी वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, डिमांड है आप लोगों की, तो आप लोगों की डिमांड ही पूरी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपने सामने आप चेक कर सकते हो टीवीएस एंटोर्क 125 है, और इसमें जो वर्क कर रखा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। वाइजर से, तो वाइजर इस बार लगाया वो लगाया रेड कलर का, क्योंकि रेड एंड ब्लैक का टच है आप लोगों की एंटॉर्क पर। तो रेड कलर का जो वाइजर है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लुक आ रहा है, और सबसे बड़ी बात ये मेटल का है, ये ख़राब नहीं होता, तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है। लुक भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। वैसे तो MT15 का है, लेकिन MT15 से ज़्यादा हम एंटॉर्क पर लगा देते हैं, और राइडर वगैरह भी लगा देते हैं, अपाची भी लगा देते हैं, अगर आप लोगों के पास भी कोई स्कूटी है तो उस पर भी लगा देंगे, तो पसंद आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हो गई वाइजर। मिरर, ये मिरर वो है जो लोग अपनी सुपर बाइक में लगाते हैं, लेकिन कहते हैं ना अपने पास जो हो वही सुपर होता है, और वही सुपर से ऊपर होता है। तो यहाँ पर जो मिरर है ये बहुत ही हैवी CNC मिरर नाइट विजन के साथ, और इसे कहते हैं 360 एंगल। कहीं भी सेट कर लो इसको, यहाँ सेट कर लो, यहाँ सेट कर लो, ये इस जगह पर भी हो जाता है यूज़। अगर मान लो आप इस वाले एंगल से बोर हो चुके हो तो इस जगह पर भी। चाय कैसी है? बढ़िया भैया। ठीक है, काम कैसा लगा? काम अच्छा लगा, मैं आपकी वीडियो देख कर आया था, मैं नॉट डेली में रहता हूँ। अच्छा, तो मैंने आपसे सुबह कांटेक्ट किया था, आपने मेरे को लोकेशन वगैरह भी दी थी। हाँ हाँ हाँ, काम भी अच्छा लगा। लोकेशन वैसे भी देता हूँ, क्योंकि मेरे नाम से डुप्लीकेट शॉप भी हो चुकी है, इसलिए अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो इनफैक्ट आप मेरी शॉप पर आना चाहते हो तो लोकेशन लेकर आना, SKD बाइक वर्ल्ड पूरा जो है शॉप का नाम है, लोकेशन भी इसी नाम से है। बाकी और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भी। अच्छा, अरे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा भैया, झूठ बोल रहा। जितना इनको अच्छा लगा ना, इससे अच्छा मुझे लगा पर्सनली, क्योंकि पहले ऐसा यूट्यूबर जब मैं वीडियो बनाता था तो सब्सक्राइब मिलते थे, लेकिन अब दुकान पे जाते हैं तो बहुत प्यार मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू। और बाकी चीज़ें कवर कर लेते हैं। ये सर है जिनका स्कूटी है, तो इसका जो है रिव्यू दोबारा से करते हैं। जैसे कि वाइजर आपको दिखाया, मिरर दिखाया, तो मिरर की बात चल रही थी, मिरर देख लो कितने प्रीमियम है। मैंने अपनी सुपर बाइक में लगवाए थे और भैया ने अपनी स्कूटी में लगवाए, जो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हैजार्ड लगा रखा है, LED बल्ब, इसका फोकस देख लो यार कितना ज़बरदस्त है। इसके अलावा फॉग लैंप्स लगा रखी, मिनी ड्राइव, और इसका स्विच है, स्विच लगाया है इस जगह पे, ये देखो गाइस। अब इसको हम करते हैं ऑन, एक बार ऑन करिए समीर। पहली बार जब इसको ऑन करोगे आप, पहली बार मतलब इसको ऊपर करते हो तो ये वाइट हो जाता है। ठीक है, वाइट का फोकस है, नीचे रेड, इसके बाद फिर यहाँ पर येल्लो आ गया है। ठीक है, इसके बाद फिर दोनों साथ में फ्लैशिंग, यानी एक मिनी ड्राइव जो है फॉग लैंप है, इसमें चार पांच तरीके के फीचर हैं। अब ये तो आपने फ्रंट से देख लिया, अब इस जगह पर देखो। सबसे पहला मोड जो है स्टार्ट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से भी है, रेड भी है। ठीक है, ये येल्लो एंड वाइट, वाइट आ गया, ये येल्लो आ गया, ये येल्लो वाइट एक साथ आ गया, ये फ्लैशिंग आ गई। तो भाई चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है यार, कुछ भी कहो, फोकस बहुत ज़बरदस्त है। येल्लो जो है बरसातों में फॉग में आप यूज़ कर सकते हो, एक्सीडेंट के चांस कम हो जाते हैं। अब अगली चीज़ यहाँ दिखाना चाहेंगे, क्रैश गार्ड, जो कि यहाँ पर क्रैश गार्ड लगा रखा है बहुत ही ज़बरदस्त विद स्लाइडर। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो, ये स्क्रैच लग गया, अब नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ अब ये अपने ऊपर ले लेगा, ये स्लाइडर है, ये चेंज करा सकते हो कभी भी आप। प्रॉपर क्रैश गार्ड फ्रंट से लेके बैक तक का पूरा सेट आता है, और ये क्रैश गार्ड लगाने के बाद इसको लगा डाला तो समझ लो, कहते हैं ना कि स्कूटी झिंगा लाला वाला सीन है। पीछे से बैकलाइट इंडिकेटर ऑल अबाउट सेफ है, लुक भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि आ रहा है। काफ़ी सारे लोग एक्सेसरीज लगवा लेते हैं, वो एक्सेसरीज लगाने के बाद सोचते हैं कि अब आएगा मज़ा, लेकिन मज़ा नहीं आता है, स्क्रैच आ जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर क्रैश गार्ड लगवाओ आप। अगली चीज़ जो है वो है यहाँ पर सीट कवर, इसमें क्रूजर सीट बनवा सकते हो, लेकिन जिन लोगों को क्रूजर सीट नहीं बनवानी है उन लोगों के लिए यहाँ पर
फुल्ली कुशनिंग के साथ सीट कवर लगा दिया है, जिसमें रेड का टच दिया है, जो किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो प्रॉपर स्कूटी से मैच हो रहा है और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हार्ले शैल इंडिकेटर, जो कि आपकी जगह पर एज इट इज फिट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखो गाइस, इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन और मिल जाएंगे। तो ये भी जो है जस्ट प्लग एंड प्ले फिटिंग है, और काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि इतना काम कराएंगे तो कोई तार वार का कटने का कोई सीन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे जो हमारे वर्कर्स हैं वो सारे प्रोफेशनली ट्रेंड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो जी, तो यहाँ पर आगे बात हो जाती है कंप्लीट, और इसमें मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। इंडिकेटर हो गए, क्रश गार्ड हो गए, फॉगलाइट हो गई, वाइजर हो गया, मिरर हो गए, इंडिकेटर बल्ब हो गए, और आपकी सीट हो गई। ठीक है जी, ये भैया का सामान जो निकला था हमने साथ में दे दिया है। और कुछ दिखा ना बस भैया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, आप आगे बढ़ो और तरक्की। थैंक यू वेरी मच, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।